देश का हर नौजवान सरकारी नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते दिख रहा है। देश में कोरोना महामारी से कई नौजवानों की नौकरी जा चुकी है। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ कोरोना ने नौजवानों की रोजी रोटी छीन ली है। केंद्र एवं राज्य सरकारों ने सरकारी दफ्तरों में नई भर्ती पर पाबंदी जैसा नजारा आम जनता महसूस कर रही है। देश का सबसे बड़ा सुरक्षा विभाग आर्मी में नई भर्ती अभी तक हुई नहीं है। आर्मी में भर्ती क्यों नहीं की गई? आर्मी में उम्र की छूट, आर्मी की ओर नौजवानों का बढ़ता हुआ रुख, आर्मी में दिए जाने वाली शिक्षा कैसे, आर्मी की ओर महिलाओं का बढ़ता हुआ रुख, इस सभी मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने काटोल से CRPF पूर्व ऑफिसर जय कुमार बेलखड़े से वार्तालाप करते हुए जानकारी ली। उसी का ये रिपोर्ट। 1600 मीटर बोले तो कैसा है, आर्मी भर्ती के लिए 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर बच्चे ने निकाल लिया तो गुड में आता है, 5 मिनट में 20 में होता है तो सेकंड ग्रुप में आता है। अभी एक और दो ही ग्रुप है, तीसरा ग्रुप बंद हो गया। और 1600 मीटर के लिए क्या है, क्या बच्चा जितना प्रैक्टिस करेगा तगड़ा उतना वो जल्दी लाइन बनाएगा। 1600 मीटर ऐसी चीज है, घोड़े जो दौड़ते वो स्पीड होना चाहिए, क्योंकि फौज में जाने वाला बंदा पूरे घोड़े जैसी मेहनत करता है रनिंग के लिए, देते उतना पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे तो बच्चा रनिंग से नहीं होगा, उसके लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई भी करना है और अपना जो मिशन है वो पूरा खुद को कंप्लीट करना है। किसी के बहकाव में आके किसी ने बोला मैं लगा दूंगा कर दूंगा, ये चक्कर में रहना नहीं, क्योंकि ये कुछ होता नहीं है, सिर्फ अफवाह और बात होती है, खुद के भरोसे बच्चे लड़ते हैं। जितना भी मेहनत करेगा लड़का उतना उसका फायदा होगा। और इस साल जो भी आर्मी भर्ती का जो चल रहा, मेहनत कर रहे बच्चे पर फल नहीं मिल रहे, 3-3 साल से बच्चे पड़े हुए हैं, अभी तो आर्मी भर्ती निकल जाएगी तो सबको फायदा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, ये मुझे चांस है। नए बच्चे जो आर्मी भर्ती इधर खींचे जा रहे हैं, इसका क्या, इसकी क्या वजह? अभी कोई डिपार्टमेंट में जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है दूसरी बात तो ऐसी है कि आर्मी ऐसी चीज है क्या, देश प्रेमी सभी बच्चे है, और देश के बारे में जो अभी जिसके माँ बाप बच्चों को भेजते आर्मी के लिए, मैं तो बोलता हूँ उनको मेरा सलूट है, क्योंकि वो जितनी मेहनत यानी बच्चे करते और माँ बाप उनको सपोर्ट देते, बाकी फील्ड से अच्छा ये फील्ड बहुत अच्छा है। अभी कोई डिपार्टमेंट, नेवी हुआ, आर्मी हुआ, महाराष्ट्र पुलिस SRP GRP है, रेलवे पुलिस है, जेल पुलिस है, ऐसे इंडिया में CRP है, CISF है, BSF, ऑल टोटल जितने भी फोर्स है, उसकी इसलिए तैयारी करना चाहिए कि यहाँ कोई गलत काम नहीं होता है, और देश प्रेमी बच्चे वो वही काम कर देगा, मुझे देश की सेवा करना है। और आजकल जो भी लड़का फौज के लिए तैयारी कर रहा है वो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका मिशन एक ही है वर्दी, और वो वर्दी मिलेगी उनको मेहनत करेंगे तो। विदर्भ दर्पण को जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।